हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत कुछ लेके आई हूँ अपने व्लॉग में, जैसे कि मैं आपको ब्रेकफास्ट आइडिया देने वाली हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि हमने कैसे बनाए थे दही भल्ले पापड़ी चाट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग की शुरुआत घर के काम से ही होती है और डेली के कामों में हमारे लेडीज़ वर्क जो होते हैं, एक तरह से कुकिंग, क्लीनिंग, ये सभी होते हैं, तो वही सब हमारे घर में भी वही काम है। तो क्लीनिंग का काम ज़्यादातर मैं करती हूँ और कुकिंग का ज़्यादातर माँ लेती हैं, क्योंकि माँ बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। और अभी हम बना रहे हैं गोभी के पराठे और प्याज के पराठे ब्रेकफास्ट में, तो अभी मैंने आपको दिखाया था। अगर आपको रेसिपी जाननी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन किया करो कि आपको किस रेसिपी, किस चीज़ की रेसिपी चाहिए। और यहाँ पे हम पराठे बना रहे हैं। और हाँ, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि काम बटा हुआ है, जिसको जो अच्छा लगता है वो काम करता है। अगर माँ को मन नहीं करता तो मैं बना लेती हूँ, अगर उनका मन कुछ और करने का कर रहा होता तो मैं वो काम कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि काम बटा हुआ है तो वही करना है। और अभी मैं जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ, इस चीज़ का पर्पस बस यही है कि मैं आपको एक मेथड दिखा दूँ कि ये फिलिंग वाले जो पराठे होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। मैं अभी आपको रेसिपी नहीं दे रही हूँ, पर अगर आपको रेसिपी जाननी होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं इस तरह से आपको मेथड दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये बनाए जाते हैं पराठे और किस तरह से इनको सेका जाता है। और अभी हमारे पराठे बनके रेडी हैं, तो आप देख सकते हो इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही थी। और मैं और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो हम दोनों अभी मार्केट गए थे सब्जी लेने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा शूट करा था कि मैं आपको दिखाऊं कि कितनी यहाँ पे लाइन वगैरह रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती हैं, कि तुम एक एक वन हैंड डिस्टेंस तो मतलब होना ही चाहिए आपके बीच में। और मैंने आपको छोटी सी एक झलक दिखाई थी दही भल्ले पापड़ी चाट की, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखें। उसके लिए हम सबसे पहले काले चने भिगा लेंगे और धुली उड़द और धुली मूंग की दाल हम भिगा के रख लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सॉफ्ट हो गई है, हैंड से टूटने वाली हो गई है, तो हम इसमें सॉल्ट मिला के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ अपने बैटर को चेक करने के लिए। आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा बैटर लेके पानी में डिप करें। अगर आपका बैटर डूब रहा है तो इसका मतलब वो बैटर ठीक नहीं बना है, और अगर वो तैर रहा है तो इट मीन्स वो ठीक है। और उसके बाद हमने चाट के लिए आलू को बॉयल कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर मैदा गूंद लेंगे। मैदे में आप हल्का सा नमक डाल लें। हमारा मैदा गूंद जाएगा तो हम इसको ढक के रख लेंगे। उसके बाद हम, मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये है सौंठ, ये हमने पहले से ही बना के रख ली थी, तो इसकी इसलिए मैं रेसिपी नहीं दे पाई हूँ क्योंकि ये पहले से ही हमने बना ली थी। और ये अब उसके बाद हम बना रहे हैं भल्ले। तो चाट के लिए जैसा कि हमने आलू बॉयल कर लिए थे, तो आप चनों को भी बॉयल कर लेंगे। भल्ले आप मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, जिससे कि वो अंदर तक पक जाएं और गोल्डन ब्राउन होने तक उन्हें पकाएं। तो यहाँ पे हमारे भल्ले बनके रेडी हैं। अब हम इसके बाद पापड़ी बनाएंगे, क्योंकि ये भल्ला पापड़ी चाट बनने वाला है। और यहाँ पे हमने साथ साथ पापड़ी भी तल ली है, पापड़ी बना ली है हमने खूब सारी, कुरकुरी होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमने भल्ले रेडी करे थे वो हम पानी में डिप करके रख लेंगे, गर्म पानी में। और यहाँ पे हम दही को बीट कर रहे हैं। तो भल्लों को जो डिप करने का पर्पस होता है पानी में, वो इसलिए होता है जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। तो जब हम प्लेटिंग करने लगेंगे तो हम सारा पानी स्क्वीज़ कर लेंगे, तब हम प्लेटिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे कि हमने पापड़ी को भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और भल्ले को भी तोड़ के ऐसे सजा दिया है। आलू काट लिए हैं, उसके ऊपर दही डाल रहे हैं और सौंठ डाल लेंगे हम। उसके बाद चने उबले हुए और स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, मसाले जो भी आप अपने हिसाब से डाल लें। उसके बाद हम इसमें भुना हुआ जीरा जो होता है वो हम ऊपर से डाल देंगे। हमने इसमें काला नमक भी ऐड किया है, लाल मिर्च ऐड करी है और भुना हुआ जीरा और सफ़ेद नमक। तो आप देख सकते हैं ये इतनी टेस्टी सी दही भल्ले पापड़ी चाट हमारी बनके रेडी है, और ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी थी जितनी ये दिखने में लग रही है। और बहुत इजी सी रेसिपी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें मेरी माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने बनाया था ये। और उसके बाद शाम का वक्त हो गया था तो हमने पूजा कर ली थी, और ये शाम के वक्त अपनी जो नायरा मायरा है वो अपने पापा के साथ खेल कर रही हैं। I
ओए ओए आंख मार के दिखा दे, आंख मार के दिखा दे। अच्छा इधर दिखा, दोबारा से, पहले पहले आंख मार के दिखा, पहले आंख मार के दिखा, आंख मार के, आंख मार के, आंख मार के। आंख मार के, आंख के साथ साथ गर्दन भी हो जाती है। और थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरी वीडियो अगर पूरी देखी है तो, और आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। और मैं बच्चों की वीडियो इसलिए डालती हूँ जिससे कि आपका मूड चेंज हो जाए, क्योंकि बच्चों को देख के तो हर किसी का मूड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।